हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कुलदीप सिंह, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग एसएससी जेई के लिए। आपको पता है एसएससी जेई का एग्ज़ाम आने वाला है। डेट एग्ज़ाम की एसएससी ने जारी कर दी है। लगभग 1 सितंबर 2020 को एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, तो इसी से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कंबाइंड फुटिंग। सो यू नो दैट व्हाट इज अ कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का हम लोग कब यूज करते हैं? जब आप मकान बनाते हैं तो अगर आपकी फुटिंग दूसरे बाउंड्री दूसरे की प्लॉट में अगर ओवरलैपिंग कर रही है तो उस केसेस में हम लोग कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, एक स्ट्रिप डाल के उसी में दो फुटिंग हम लोग कंबाइंड करा देते हैं, ठीक है, उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। उसमें बोल रखा है कि अगर आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा आएगी तो नॉमिनल स्ट्रिप्स हम लोग कितने प्रोवाइड कराएंगे। पहला ऑप्शन 6 लाख, दूसरा ऑप्शन 8 लाख, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज 10 लाख, फोर्थ ऑप्शन इज 12 लाख। सो करेक्ट आंसर इज अ 12 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन अ बीम। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन अ बीम। सो करेक्ट आंसर 4%। ओके, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम 4%। क्या आप जानते हैं कॉलम के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं? एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है। सो इन कॉलम द मिनिमम रेनफोर्समेंट इज 0.8% एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इज 6%। ओके, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 456/1978 द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर सेल बी। ऑप्शन ए लेस देन 6, ऑप्शन बी इक्वल टू 6, ऑप्शन सी नॉट लेस देन 6, ऑप्शन डी इक्वल टू 7। सो करेक्ट आंसर इज नॉट लेस देन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार प्रोवाइडेड इन आरसीसी। द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार प्रोवाइडेड इन आरसीसी। सो रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो उसमें 4 बार, बिल्कुल ठीक है। सर्कुलर कॉलम होगा 6 बार, ऑक्टोगोनल कॉलम होगा 8 बार। सो हियर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम, यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज द पोस्ट टेंशनिंग। आफ्टर कास्टिंग द कॉन्क्रीट द टेंडन शुड बी इंस्टॉल्ड। ओके, एंड यू नो दैट प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट द टेंडन्स आर स्ट्रेन्ड बाय द गेज बिफोर कास्टिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। ओके, वो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट होती है। मेन मोटिव टू प्रोवाइड अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, टू प्रोवाइड अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस नॉट टेंशन स्ट्रेसेस। ओके, ऑप्शन ए वॉज वाइडली यूज इन अर्लियर डेज इज नॉट इकोनॉमिकल हेंस नॉट जनरली यूज, ऑप्शन सी इज इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पैन एंड इज अडॉप्टेड नाउ डेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आरसीसी कॉलम, आरसीसी कॉलम इज ट्रीटेड एज अ लॉन्ग कॉलम इफ स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 60। सो लॉन्ग कॉलम द स्लेंडरनेस रेशियो, इट इज द एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन,
is more than 60. Okay, so correct answer D option is correct. And if less than 12 is called short column, and if less than 3 is called pedestal. Okay, next question. If width of flange of a T beam should be less than, so width of T beam should be less than 1/3 of the effective span of T beam, distance between the center of T beam, width of rib plus 12 times the thickness of slab, and least of the above. So correct answer least of the above. Next question, very important question. A pre-stress rectangular beam, एक प्री स्ट्रेस रेक्टेंगुलर बीम है विच कैरी टू कॉन्सेंट्रेट लोड लगे हुए हैं डब्लू. ओके, L/3 डिस्टेंस पे फ्रॉम आइदर एंड, दोनों छोरों से, दोनों एंड से इज प्रोवाइडेड विद अ बेंट टेंडन. जो टेंडन प्रोवाइड करा रखा है वो बेंट है. विद अ टेंशन पी, पुल पी लग रहा है टेंशन, सच दैट द सेंट्रल 1/3 पोर्शन ऑफ द टेंडन रिमेन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस द मैक्सिमम डिप एच. सो द मैक्सिमम डिप एच इज अ WL/3P. गाइज रिमेंबर मी, रिमेंबर दैट एग्जाम के अंदर या तो आप, मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, या तो रट लो या मान लो, ठीक है. और नहीं मानने हो एग्जाम में, अगर आपको ज़्यादा दिमाग चलाना है तो आप दूसरा गलत करके आओगे. अगर आपको एक नंबर लेना है तो आप बिल्कुल सही आंसर WL/3P लगाओगे. ओके, इसी से मिलता जुलता एक आगे क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करा दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ए पाइल इज अ सिलेंडर मेंबर, सभी जानते हैं सिलेंडर मेंबर, विच ट्रांसफर द लोड इट इज थ्रू अ लोअर एंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा. ऑप्शन बी, अ पाइल इज अ सिलेंडर मेंबर एंड विच ट्रांसफर इट इज लोड टू सराउंडिंग सॉइल. ऑप्शन सी, अ पाइल इज अ सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर इट इज लोड बाय फ्रिक्शन. ऑप्शन डी, अ पाइल इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ द कॉन्क्रीट एंड विच ट्रांसफर द लोड डेप्थ ग्रेटर देन द विड्थ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज अ B option is correct. A pile is a cylinder member which transfer its load to the surrounding soil. Okay? And when the pile is installed in the soil and that create friction to upward direction surrounding the circumference of the pile. Okay? Next question. A cantilever retaining wall can safely be used for the height not more than, option A 3 meter, option B 4 meter, option C 5 meter, option D 6 meter. So the correct answer is a 6 meter. Next question, if W is a load on a circular slab of a radius R, the maximum circumferential movement at the center of the slab. So that questions also come in SSC JE exam 2018. So the correct answer of this question is a 3WR² / 16. Okay, you remember it, circumferential movement. Next question, if a bent tendon is required to balance a concentrated load W at a center of the spanel, the central dip H must be at least. If a bent tendon is required to balance a concentrated load W at a center of a span L, the central dip must be. So the correct answer of this question is a 4L/P. इससे पहले हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें
जो टेंडन था वो 1/3 पैरलर हो रखा था, इसकी वजह से ये आंसर WL/3P लग गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बेंड टेंडन तो दे रखा है। रिक्वायर फॉर द बैलेंस कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट द सेंटर ऑफ द स्पेन L, द सेंट्रल डिप मस्ट बी एट लीस्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ WL/4P। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस 6 kg/cm² फॉर M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, द लेंथ ऑफ एम्बेडेड ऑफ अ बार डायामीटर अकॉर्डिंग टू द IS 456 स्पेसिफिकेशन। सो ऑप्शन ए 28 टाइम्स डायामीटर, 38 टाइम्स डायामीटर, 48 टाइम्स डायामीटर, डी ऑप्शन 58 टाइम्स डायामीटर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ 58 टाइम्स डायामीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉटम बार अंडर द कॉलम आर एक्सटेंडेड इन टू अ इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब टू अ डिस्टेंस ग्रेटर देन, ऑप्शन ए 42 डायामीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉलम, ऑप्शन बी 42 डायामीटर फ्रॉम द इनर एज ऑफ द कॉलम, ऑप्शन सी 42 डायामीटर फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम, ऑप्शन डी 24 डायामीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉलम। सो हियर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ 42 डायामीटर फ्रॉम द इनर ऑफ द कॉलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर M50 मिक्स कॉन्क्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, सो फ्रेंड द लोकल बॉन्ड स्ट्रेस इज 2/3 into the grade of concrete. Okay, so 2/3 into 15, 3 × 5 = 15, 10 kg/cm². So here the correct answer of this question is a 10 kg/cm², local bond stress. Okay, remember it, local bond stress. Next question. A pitot tube is used to measure. The pitot tube is used to measure. So, or you know that velocity of flow is the correct answer. Pitot tube used to measure velocity of flow. Next question. Thickness of a sharp crested weir. Thickness of sharp crested weir is kept less than, ऑप्शन ए 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉटर ऑन द सिल, ऑप्शन बी 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉटर ऑन द सिल, ऑप्शन सी 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ अ वॉटर ऑन द सिल, ऑप्शन डी 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉटर ऑन द सिल। सो हियर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ 1/2 हाइट ऑफ वॉटर ऑफ द सिल। ओके, सो थिकनेस ऑफ शार्प क्रेस्टेड वियर कितना लेते हैं, 1/2 of the height of water on the sill. Okay, next question. The maximum vacuum created at the summit of siphon, the maximum vacuum created at the summit of siphon, option A 2.7 meters of water, option B 7.4 meters of water, option C 5.5 meters of the water, option D none of this. So correct answer of this question is a ऑप्शन बी 7.4 meters वॉटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन अ सरफेस ऑफ द ऑयल 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, प्रेशर दे रखा है 0.1 kg/cm², द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 2.5 meters। मैं आपके लिए इसका करेक्ट आंसर है 3 meters। ओके, मैं आपको सॉल्यूशन इसका लेकर आया हूं, 1 minute। हियर इज अ सॉल्यूशन। प्रेशर फॉर ऑयल दे रखा है 0.8, डेंसिटी में कन्वर्ट किया 1000 का इनटू कराकर 9.81 किया, लोड बनाया, फोर्स बनाया, और इसको हाइट से इनटू करा दिया 2.5 meters। ओके, सो 2.5 meters में दे रखा है आपको, सो आंसर आया यहाँ पे
19,620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड, ये प्रेशर आया ऑयल के लिए, ऑयल के लिए प्रेशर निकाला, ठीक है। अगर वाटर के लिए प्रेशर निकालना है तो 1000 × 9.81 × H ही हमें कैलकुलेट करना है। ओके फ्रेंड, और इसको कर दो बराबर, दोनों प्रेशर प्रेशर बराबर कर दिए। अगर H1 हमें निकालेंगे तो H1 कैसे निकालेंगे, यहां से H1 आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, H1 आ गया 2 मीटर। H2 एटमॉस्फेरिक हेड, आपने फॉर्मूला सुना होगा, P इज इक्वल्स टू रो जी एच, H इज इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन रो जी, है ना। तो यहां पे H2 कैसे निकालेंगे, वन मीटर H2 आ गया। अब इन दोनों को कर देंगे प्लस, 2 + 1 = 3 मीटर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 मीटर। दो तीन बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से प्रेशर को निकालना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। या तो आप डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए ताकि कहीं भी अगर ये क्वेश्चन दिखे तो आप 3 मीटर टिक लगाइए और आगे बढ़िए, या फिर आप कैलकुलेशन याद करके रखिए। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।